सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आज सभी का हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, काफ़ी सारे बच्चों ने कल मोदी जी का जो लाइव सेशन था, मन की बात टाइप का ही था पूरा लाइव सेशन, परीक्षा पे चर्चा जो कल प्रोग्राम हुआ था, लाइव प्रोग्राम तो कह नहीं सकते उसको क्योंकि वो पूरा रिकॉर्डेड था। तो बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर कोई मोदी जी ने कोई अच्छी बात बोली। तो देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, मोदी जी ने जो कल लाइव सेशन किया था वो काफ़ी बोरिंग था। मैंने भी पूरा देखा नहीं था, लेकिन देखना पड़ा क्योंकि मेरे को लगा कि कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिली जाए। तो पूरे लाइव सेशन में कोई भी इम्पॉर्टेंट बात नहीं थी, वो एक तरीके से फॉर्मेलिटी के अंदर अपने स्कूल के अंदर जब कोई प्रोग्राम या फंक्शन वगैरह होते हैं तो उस टाइम कोई बड़ा प्रिंसिपल आकर एक तरीके से लेक्चर देता ना, वैसा लेक्चर सा ही लग रहा था। तो कल जो पीएम मोदी का परीक्षा पे चर्चा जो प्रोग्राम हुआ था उसमें कोई मजे वाली बात नहीं थी, इससे अच्छा प्रोग्राम तो लास्ट ईयर हुआ था। चलो, पीएम ने बच्चों के लिए टाइम निकाला, वही अच्छी बात है, उसके लिए मैं पीएम को थैंक यू कहना चाहूँगा क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री के पीएम होकर भी बच्चों के लिए टाइम निकाल रहे तो काफ़ी बड़ी बात है। आज से 10 साल पहले ऐसे कोई नहीं करता था, लेकिन पीएम ने लाइव आकर बच्चों से बात करी तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो अगर मैं आपको इम्पॉर्टेंट बताऊँ तो कल परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम के अंदर कोई भी इम्पॉर्टेंट बात नहीं थी, आपके काम की कोई भी बात नहीं थी, बस यही बातें थी कि पढ़ाई करते रहो, टेंशन लेना नहीं है, पढ़ाई को सिर्फ यही मत समझो, लाइफ पढ़ाई से आगे ही बहुत कुछ है, एग्जाम से आगे भी बहुत कुछ है, बस यही सारी बातें थी। तो मेरे को उम्मीद है कि सभी को ये बात समझ आ गई होगी। अगर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं अपना वीडियो बना के बता दूंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें जिससे उनको पता लग सके कल पीएम ने क्या बोला। तो दोस्तों, वीडियो में इतना ही, अपने फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सेफ रहो।